मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती रविवार को उत्सव के रूप में मनाई गई। क्षत्रिय मराठा समाज के बैनर तले शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। दोपहर करीब 12:30 बजे से रविंद्र नगर बगीचे में इकट्ठा हुए यहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद सुसज्जित बग्घी में प्रतिमा स्थापित कर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। युवाओं के साथ युवतियां भी साफा बांधकर रैली में शामिल हुई। भगवा ध्वजा लहराते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से रैली गुजरी। रास्ते भर जय शिवाजी जय भवानी का जय घोष गुंजायमान होता रहा। साउंड सिस्टम पर धार्मिक और राष्ट्रभक्ति गीत बजाए जा रहे थे। शोभा यात्रा का सब्जी मंडी पार्क पर समापन हुआ। रास्ते पर सामाजिक संगठनों व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद कुंदनगर स्थित समाज की धर्मशाला में शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। शिवाजी महाराज के 393वीं जयंती पर मराठा समाज द्वारा भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मराठा धर्मशाला पे समाप्त होगी और वहां पर शिवाजी महाराज की जीवन चरित्र पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि शहर के सारे आम जन इस प्रदर्शनी को देखने आए, ताकि शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में उन लोगों को जानकारी मिले। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग से होती है निकली गई है। जवाहरलाल पोस्ट ऑफिस थोड़ा सुगर टाकू बस स्टैंड होते हुए रसूलपंज मंडी पे समापन के पश्चात मराठा धर्मशाला पहुंचेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।